रेडी हो चुका है, नए नए कपड़े पहने एकदम न्यू, और बेबी आज 2 मंथ का हो गया, 2 मंथ कंप्लीट हो गया बाबू का। आज ही बर्थडे है बाबू, हैप्पी बर्थडे। सो सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, तो नाश्ते में नमकीन सेवैयाँ बना रही हूँ, जिसके लिए यहाँ मैंने आलू लिया है और टमाटर लिया है, और यहाँ पे मैं प्याज भूनूंगी, उसके बाद इसमें सेवैयाँ डालूंगी। तो बेबी को टमी टाइम देना भी ज़रूरी होता है, और अभी आप देख सकते हो बेबी का थोड़ा वेट भी कम है, जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे टमी टाइम दे रही हूँ मैं बेबी को, तो ये धीरे से गर्दन उठा तो लेता है थोड़ी सी, फिर रख लेता है, थक जाता है, बट गर्दन इसकी बहुत चलती है, आप कैसे भी लटा लो बहुत गर्दन ऐसे ऐसे करता है, ये देखो ये उठा लेता है फिर रख लेता है। रेडी हो चुका है, नए नए कपड़े पहने एकदम न्यू, और ये अभी रो रहा है क्योंकि इसको आ रही है नींद, तो मैं इसको सुला देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं। बेड की कंडीशन डेली ऐसी हो जाती है, इतना सामान भर जाता है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करूँगी अभी, इसको सही से सेट करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन में क्या, कुछ नहीं, बस बलून वलून लगाऊँगी थोड़े से, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि पिक्चर्स लेनी है बस थोड़ी बहुत, इस वजह से। तो बलून मैंने मंगा लिए हैं, कुछ ले आए, और यहाँ पे टेप भी है, तो बलून लगाएंगे अभी। ये बलून थोड़े से गंदे से दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैं मिट्टी लगी हो, पर अंदर पैकेट के कैसे मिट्टी घुस जाएगी, पता नहीं, क्या पता कैसे भी घुस गई हो, पैकेट पूरा सील है और फिर भी ये थोड़े से गंदे से लग रहे हैं, क्या पता होता होगा ऐसा, बट मैं इनको थोड़ा सा पोंछ लूँगी अच्छे से, उसके बाद इनको हम फुलाएंगे, देखते हैं। यहाँ पे मैंने बलून लगा दिए हैं कुछ, और ये पड़े हैं ये सारे लगा देती हूँ मैं, और जितने भी थे सारे मैंने नहीं लगाए हैं क्योंकि बस पिक्चर्स लेनी है, बाकी पूरे रूम में नहीं लगाए हैं, तो थोड़े ही लगाऊंगी, बाकी मैंने उठा के रख दिए हैं, अभी नेक्स्ट बर्थडे पे लगा लेंगे बचे हुए बलून्स। या तो ये देखिए आप, ये मम्मी ने बलून फूट गया था, तो उसका मम्मी ने पता नहीं टॉफ़ी जैसा कुछ बना दिया बेबी के लिए। ये लगा दिए हैं मैंने बलून्स इस तरह से, तीन तीन एक साथ करके लगा दिए हैं मैंने, इसी वॉल पे लगाए हैं, एक मैंने साइड वाली वॉल पे एक ही लगाया जो एक्स्ट्रा बच गया था, तो यहाँ पे ये लगा दिया, और ये मैंने फ़ैन पे लगा दिया है, बेबी मेरा फ़ैन बहुत देखता है, जब वो लेटता है ऊपर ही देखते रहता है, तो मैंने ऊपर लगा दिया, उसको देखते देखते खेलता रहेगा। बाकी मैंने यहीं पर लगाए हैं, बाकी पूरे रूम में कहीं पर भी नहीं लगाए हैं, क्योंकि यहीं पे बैठ के पिक्चर्स ले लेंगे एक दो बस, और कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा। तो दोपहर का अभी टाइम है और बेबी अभी जाग गया है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ पिक्चर्स यहाँ से यहाँ पे ले लेते हैं जो 2 मंथ वाली होती है, बाकी ये 2 उठा के पीछे लगा देंगे, तब वहाँ पे पिक्चर्स हो जाएंगी। ये अलग से मैं पिक्चर्स ले रही हूँ इसको यहाँ पर लिटा के, क्योंकि अभी जाग रहा है, और यहाँ पर मैंने एक ग्रीन कलर का कपड़ा बिछा दिया है, और यहाँ पे जो आपको 2 बना दिख रहा है, मैंने कुछ किया नहीं है, बस इसको जो पेपर रहता है कलर वाला उसको काट दिया है, बस वही कर दिया, और कुछ मैंने ज़्यादा किया नहीं, इतना टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा ऐसे ही फटाफट 2 बना देते हैं किसी से। पिक्चर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे डाली हुई बेबी के, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो A few moments later. सो शाम को केक हमने कट कर नहीं पाई, और अभी बज गया है 9 रात का, तो ये जनाब अभी भी सो रहे थे, तो इनको अगर उठाते हैं तो ये रो रहे हैं, बाकी अब केक तो काटना ही पड़ेगा, तो इसलिए इनको उठाया जा रहा है, और अभी हम जा रहे हैं केक कट करने। सो यहाँ पे मेरी ये मदर इन लॉ हैं, और फर्स्ट टाइम आप मेरी वीडियो में मदर इन लॉ को देख रहे हैं। ये लड़का वैसे खेलता रहता है, पर जब केक कटने का टाइम हुआ, पिक्चर्स लेने का टाइम हुआ, तब ये थोड़ा रो रहा था क्योंकि ये नींद में था, इसको नींद आ रही थी, तो इसको ज़बरदस्ती जगाया जा रहा है।
चुका है 11 रात का, ये थोड़ी सी नींद मार चुके हैं और फिर से उठ गए हैं, है ना बेबी? तो बेबी के कपड़े चेंज कर दिए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे इसको, और इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसको खाली इनर पहना दिया, है ना छोना? अब छोना को दिक्कत नहीं होगी, वो सूट बड़ा बड़ा नया नया पहना था, बाबू को बड़ी उलझन सी हो रही थी, अभी बाबू निन्नू भी कर लेगा आराम से, है ना? बोलो मिला बेटा। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ऐसे और वीडियो देखने के लिए, मेरी बच्ची की वीडियोस देखने के लिए, अद्विक की वीडियो देखने के लिए, है ना? बोलो बेबी।